सभी छात्रों को मेरी तरफ से नमो नमः। आज पहले इसके पहले कि हम लोगों ने तीन वीडियो देखा, पहले के वीडियो में हम लोगों ने पाठ्यक्रम पर बात की, चर्चा की, उसके बाद संस्कृत साहित्य के इतिहास पर बात किया। आज एक अंदर टॉपिक विषय पर हिलते हैं और वैदिक मंगलाचरण पर बात करते हैं आपसे। वैदिक मंगलाचरण करते हैं, हमारे यहाँ हमारे साहित्य में हमारे समाज में ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जब कोई नए विषय का शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ मंगलाचरण करनी चाहिए, जिससे उसका समापन बड़े ही सुचारू और अच्छे ढंग से संपन्न हो सके। उसी क्रम में कुछ ग्रंथ, हर ग्रंथ में, सभी ग्रंथों में मंगलाचरण की परंपरा चल पाई, तो इस तरह हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी पहला पाठ अर्थात जिसे हम भूमिका के तौर पर मान सकते हैं वैदिक मंगलाचरण पाठ रखा, वो भी यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 17वां श्लोक है। ये जो मंगलाचरण है वैदिक मंगलाचरण है, क्योंकि वेद से लिया गया है इसलिए इसका नाम वैदिक मंगलाचरण है। तो पहले हम लोग इसको वाचन करेंगे, आप भी साथ में वाचन करें तभी सीख पाएंगे। संस्कृत को पढ़ने के लिए उसको बोलना अत्यंत आवश्यक होता है, उसी क्रम हम लोग करते हैं। द्यो शांतरिच्छ शांति ही, बोलिए द्यो शांतरिच्छ शांति ही, पृथ्वी शांति ही, रापः शांति ही, रोषधया शांति ही, वनस्पतयः शांति ही, विश्वदेवाः शांति ही, ब्रह्मा शांति ही, सर्व शांति ही, शांतिरेव शांति ही, श्यामां शांतिरेधि। द्यो शांतिरन्तरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वेदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, श्यामां शांतिरेधि। ये मंगलाचरण है, एक बार फिर से वाचन हम लोग करते हैं। देखिए वैदिक मंगलाचरण है और जो यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 17वां श्लोक हैं, एक बार फिर से पढ़ें। द्यो शांतरिच्छ शांति, द्यो शांतिरिच्छ शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधया शांति, वनस्पतयः शांतिः, विश्वदेवः शांतिः, ब्रह्मः शांतिः, सर्व शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामाम शांतिरेधि। अब इसको तोड़ तोड़ पढ़ेंगे, तो पहला है द्यो, द्यो मिस होता आकाश और शांति मिस शांत स्वरूप हो अथवा शांति करने वाले हों। फिर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष अर्थात जो ये आकाश का पूरा स्वरूप होता है वो अंतरिक्ष में आता है, तो अंतरिक्ष शांति मतलब शांति स्वरूप हो अथवा शांति देने वाले हों। फिर पृथ्वी, पृथ्वी में आप जानते हैं पृथ्वी में पृथ्वी होता है, धरती जिसको कह सकते हैं। फिर शांति है, शांति मतलब शांति देने वाले अथवा शांति करने वाले, शांति स्वरूप वाले कुछ भी कह सकते हैं। फिर आपामिस होता है जल, आपामिस क्या होता है जल। फिर शांति रोषधया अर्थात शांति अलग करेंगे, फिर औषधयामिस औषधि या दवाई, और शांति में शांति करने वाली, फिर शांति में शांति करने वाली। फिर दूसरी लाइन में वनस्पतियाँ है, वनस्पति मतलब वनस्पतियाँ, और शांति विश्व देवा अर्थात विश्व को देव, अर्थात शांति विश्वदेव, और शांति में शांति देने वाले, और विश्वदेव में विश्वदेव, और शांति ब्रह्मा, ब्रह्मा में ब्रह्मा जो देवता है, ब्रह्म रूप ईश्वर शांति स्वरूप हो। फिर सर्व शांति अर्थात सभी को शांत शांति करने वाला, सर्व शांति अर्थात सभी को शांति प्रदान करने वाला सारे संसार को। फिर शांति देव शांति अर्थात जो शांति के देव हैं वो भी शांति हों, शामिश वहाँ वे सभी कौन कौन, पृथ्वी अंतरिक्ष, पृथ्वी जल, औषधि, वनस्पति और विश्वदेव, सभी वो सभी मामिश हमारे लिए शांति रेधि शांति करने वाले हों। ऐसा फिर से एक बार देख लें। द्यो शांतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्मः शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, श्यामां शांतिरेधि। अब देखिए अर्थ करना सीखते हैं, अर्थ कैसे सीखेंगे, तो सर्वप्रथम हम यहाँ माँ लेते हैं, क्या लेते हैं, माँ।
माँ यहाँ करता है और शांति क्रिया है, इसको थोड़ा या ऐसा छोटा सा समझ लें, ये जो माँ है यही करता है, बाकी शांति क्रिया है। अब माँ बोले मुझे शांति करने वाले हों अथवा मेरे लिए शांत स्वरूप हों, इतना माँ में इस मेरे लिए अस्मत शब्द का रूप है, द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन का है, तो माँ में इस मेरे लिए शांति में शांति रूप हों, शांति रूप हों, बस इतना है। अब कौन कौन शांति रूप है तो क्रम से बताना है। बोले दियो हो माँ, दियो हो शांति, मेरे लिए आकाश अथवा दियो में स्वर्ग भी कह सकते हैं, स्वर्ग शांति रूप हों, मेरे लिए स्वर्ग शांति रूप हों, इतना। फिर और क्या हो तो बोले अंतरिक्ष शांति, मेरे लिए वही फिर से माम अंतरिक्ष शांति, मेरे लिए अंतरिक्ष शांति स्वरूप हों। फिर है पृथ्वी शांति, माम पृथ्वी शांति, माम मेरे लिए पृथ्वी शांति स्वरूप हो, रापह शांति मेरे लिए जल शांति स्वरूप हो, फिर माँ औषधिया शांति मेरे लिए औषधियाँ शांति स्वरूप हों, वनस्पतियाँ माम वनस्पतियाँ शांति मेरे लिए वनस्पतियाँ शांति स्वरूप हो, माँ विश्व देवा शांति मेरे लिए विश्व के देव शांति स्वरूप हों, और ब्रह्मा शांति मेरे लिए ब्रह्म स्वरूप ईश्वर शांति रूप हों। फिर उसके बाद है सर्व शांति, मेरे लिए सभी संसार सब संसार शांति रूप हो, शांति रेव और शांति के जो माँ मेरे लिए शांति के जो ईश्वर हैं सामिस वा भी शांति करने वाले हों। फिर से एक बार देख लें, वाचन करके अर्थ समझते हैं। फिर से यहाँ इन दो चीज़ें को यदि आप देखें, मतलब कर्ता पकड़ लें, माँ करता है शांति क्रिया है, मुझे मेरे लिए शांति रूप हों, बस इतना। और कौन कौन शांति रूप है तो क्रम से जोड़ते जाइए, मेरे लिए स्वर्ग शांति स्वरूप हो, मेरे लिए अंतरिक्ष शांति स्वरूप हो, मेरे लिए पृथ्वी शांति स्वरूप हो, मेरे लिए जल शांति स्वरूप हो, मेरे लिए औषधियाँ शांति स्वरूप हो, मेरे लिए वनस्पतियाँ शांति स्वरूप हो, मेरे लिए विश्व के देव शांति स्वरूप हो, और मेरे लिए ब्रह्म शांति स्वरूप हो, और मेरे लिए शांति के देवता जो शांति स्वरूप हो, और वह भी जो शांति के स्वरूप हैं, जो शांति स्वयं हैं साक्षात शांति, वो भी मेरे लिए शांति, बस इतना है। एक बार वाचन करके अर्थ समझते हैं, फिर इसी भी स्टॉप करते हैं। देहो शांति रक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मः शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामां शांतिरेधि। फिर से मेरे लिए आकाश शांत स्वरूप हो, मेरे लिए अंतरिक्ष शांत स्वरूप हो, मेरे लिए पृथ्वी शांत स्वरूप हो, मेरे लिए जल शांत स्वरूप हो, मेरे लिए औषधियाँ शांत स्वरूप हो, मेरे लिए वनस्पतियाँ शांत स्वरूप हो, मेरे लिए विश्वदेव शांत स्वरूप हो, मेरे लिए ब्रह्म शांति स्वरूप हो, मेरे लिए सब संसार शांत स्वरूप हो, और मेरे लिए साक्षात शांति हैं वह भी शांत स्वरूप हो। इस तरह पूरा अर्थ आपके सामने है। ये कठिन निवारण देख लें, कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे द्यो है, द्यो मिस पृथ्वी है, स्वर्ग है जिसको आकाश भी कह सकते हैं, आपा मिस जल है, औषधियाँ मिस दवाइयाँ हैं, वनस्पतियाँ मिस वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, और विश्व देवा मिस पूर्ण विश्व के देवता हैं। तो इसको आप तीन चार बार वाचन कर लें, और आना भी चाहिए। एक बार वाचन करके इसी पर समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मिलते, तब तक के लिए महादेवाय नमन। एक बार वाचन करके यहीं पर स्टॉप करते हैं। देव शांतिरक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामां शांतिरेधि। धन्यवाद। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमन।